प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले सियाचिन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी सियाचिन में 45 मिनट तक सैनिकों से मुलाकात करेंगे और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद वो श्रीनगर लौट जाएंगे। सियाचिन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि वो देश के सैनिकों को बताना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। तो 45 मिनट की ये मुलाकात है जिसमें सैनिकों से बात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और जिस तरह से सबसे कठिन टेरेन माना जाता है सियाचिन का जो वो इलाका है, ग्लेशियर का जहां वो इलाका है, प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं, हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से वहां पर सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल युद्ध का जो स्थल होता है वो सियाचिन ग्लेशियर का वो इलाका है जहां पर हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं। वहीं पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली से रवाना हुए लगभग 7:30 बजे के आसपास सुबह। हालांकि उनका पहले से जो दौरा था सीधे श्रीनगर जाने का था, लेकिन इस बीच खबरें आई कि नहीं, पहले वो रवाना होंगे सियाचिन के लिए। दीपावली का दिन है, ऐसे में जवानों से मुलाकात करेंगे। पूरे देश के लोग हमारे जवानों के साथ हैं, ये संदेशा एक तरह से उन्हें देंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री का ट्वीट, उन्होंने कहा, दोस्तों मैं सियाचिन जा रहा हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि इस खास दिन पर मैं अपने बहादुर सैनिकों के साथ वक्त बिताऊंगा। हर कोई सियाचिन के मुश्किल हालात के बारे में जानता है, सभी चुनौतियों को हराते हुए हमारे सैनिक भारत माँ की रक्षा करते हैं। मैं देश के हर नागरिक का संदेश लेकर सियाचिन जा रहा हूं कि हर घड़ी में वो सैनिकों के साथ है। सियाचिन दौरे के बाद मैं श्रीनगर जाऊंगा बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, चाहे वो ऊंचाई हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, हमारे फौजियों की हिम्मत अडिग रहती है। वो मौजूद रहते हैं हमारे देश की सेवा के लिए, वो यकीनन हमारा गर्व है। और सियाचिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर में मोदी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे। श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से उनकी हिम्मत बढ़ेगी और उनके हालात बेहतर होंगे। मोदी के दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। तो आज शाम उन कैंप्स में भी जाएंगे जहां पर बाढ़ पीड़ित जो है वो वहां पर है। कई ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर बार खो दिया इस बाढ़ में, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। जो वहां के लोग हैं उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और वो खुद चूंकि यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वहां के दरअसल हालात कैसे हैं। तो सियाचिन में 45 मिनट तक जवानों के साथ बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी तक का तय वक्त है 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है, श्रीनगर के लिए उड़ान भरेंगे। और हमारे संवाददाता शुजाउल हक ने वहां के इंतजाम, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जम्मू कश्मीर यात्रा में पहले वो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए निकल चुके हैं और उसके बाद श्रीनगर शहर में आएंगे। करीब 12 बजे श्रीनगर शहर पहुंचेंगे जहां इस वक्त काफ़ी सारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। काफ़ी सारी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स हर जगह लगाई गई है सिक्योरिटी के इंतजाम करने के लिए। जहाँ एक तरफ जो अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने हड़ताल कॉल दी हुई है इस यात्रा के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फ्लड इफेक्टेड जो बाढ़ पीड़ितों के घरों से निकल आए हुए लोग हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद ऑफिशियल से उनकी मीटिंग्स होगी जिसमें कहा जाता है कि वो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगे। करीब 5 बजे वो यहां से निकलेंगे और निकलने से पहले ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी रिलीफ कैंप में या फ्लड इफेक्टेड एरिया में खुद जाके एक दौरा जरूर करेंगे। कैमरामैन तारिक लोन के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक।